स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय के आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक डमी डेटा ले लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम्स ऐड कर दिए हैं इस डेटा में, जैसे कि कस्टमर आईडी, कंज्यूमर नेम, प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग, यूनिट कंज्यूम्ड, रेट पर यूनिट और फाइनली नेट अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे बाकी के दी हुई कॉलम्स के डेटा के हिसाब से। तो ये सारा डेटा आपको आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ही मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर चार कॉलम्स को एक हाइपोथेटिकल डेटा से फिल कर दिया हुआ है, बाकी के डेटास को हम फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिट कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट्स कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल्स टू करंट रीडिंग को हम माइनस कर देंगे प्रीवियस रीडिंग से। तो दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारी जो करंट रीडिंग है वो हमेशा प्रीवियस रीडिंग से ज्यादा ही होगी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर हमारे यूनिट कंज्यूम कैलकुलेट होकर आ जाएगा पहले रो के लिए। इसी तरह से सेम फॉर्मूला कंप्लीट कॉलम में अप्लाई करने के लिए हम इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और सभी के लिए वैल्यूज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रेट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। तो इस सेम शीट में मैंने यहाँ एक नई टैब ऐड कर दिया हुआ है यूनिट प्राइस के नाम से। तो यहाँ पर मैंने डमी कॉस्ट पर यूनिट निकले लिया हुआ है। तो इसकी जगह पर आपको अपने एक्चुअल यूनिट का कॉस्ट ढूंढना होगा, या आप अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर की वेबसाइट से ढूंढ सकते हैं या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी ये मौजूद होगा, तो वहां से आप अपना यूनिट कॉस्ट पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डमी डेटा लिया हुआ है और इसी के बेसिस पर हम अपने कैलकुलेशन करेंगे इस कैलकुलेशन टैब पर। तो रेट पर यूनिट पर हम इफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है यूनिट की रेंज के हिसाब से, इसलिए हम रेट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर डालेंगे, तो हमारा जो यूनिट कंज्यूम्ड है अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 100 है, कॉमा लगाकर डबल कोटेड कॉमा स्टार्ट करेंगे। तो हमारी E3 की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल्स टू 100 है तो हमारा जो रेट पर यूनिट है वो 2.5 होगा, डबल कोटेड कॉमा क्लोज करेंगे। कॉमा लगाकर हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर वापस से इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल E3 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये होगी कि इफ E3 इज लेस देन और इक्वल टू 250, हमारा जो रेट पर यूनिट होगा वो होगा 5 रुपीज, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और थर्ड कंडीशन डालेंगे यहाँ पर इफ लगाकर, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो हमारी थर्ड कंडीशन होगी इफ E3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 500, तो हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट होगा वो होगा 7.50। और लास्ट कंडीशन होगी हमारी इफ लगाकर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इफ E3 इज ग्रेटर देन 500, तो हमारी जो यूनिट कॉस्ट होगी वो 9 रुपीज होगी। तो हमने यहाँ पर चार बार इफ लगाए, चार कंडीशन लगाए, इसलिए हम इस ब्रैकेट को चार बार क्लोज कर देंगे लास्ट में और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिल जाएंगी। तो सेम फॉर्मूला को हम बाकी सारे सेल्स में अप्लाई करने के लिए कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और सेम फॉर्मूला बाकी सारे सेल्स में भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूनिट कंज्यूम्ड है वो लेस देन 100 है और इसका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 2.5 रुपीज कैलकुलेट होकर आया है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर जो हमारा यूनिट अगर 100 से कम है तो उसका कॉस्ट है 2.5, तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है कम्प्लीटली सही तरीके से अप्लाई हुआ है यहाँ पर। अब इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप है नेट अमाउंट कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू यूनिट कंज्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेट पर यूनिट से और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा नेट अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और सेम फॉर्मूला सब में अप्लाई कर देंगे। इसे फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम करेंसी पर आ जाएंगे, डेसिमल प्लेसेस को 2 कर लेंगे और रुपीस का सिंबल सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ओके। और कुछ इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे फॉलो करके अब अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं काफी इजीली। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्प्रेडशीट को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप इस शीट को डाउनलोड करके वर्क अराउंड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।